हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जय संवर्मा भाई चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास ये फ़ोन आया है, पोको एक्स टू। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसकी टच वर्क नहीं कर रही है, और किसी अदर शॉप वाले ने इस पर सॉफ्टवेयर करके देख लिया है, इसको फ्लैश करके देख लिया है, बट इसके अंदर टच फिर भी नहीं चल रही है। और पोको एक्स टू के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसका CPU ड्राई होने से, तो जिसकी टच वर्क नहीं कर रही है। तो मैं इसके अंदर सीधे इसका CPU रिवॉल्व करूँगा और चेक करूँगा कि CPU रिवॉल्व करने से हमारे जिस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई है। एक बार हम बोर्ड भी चेक कर लेते हैं कि शॉप वाले ने कहीं बोर्ड पर कुछ काम तो नहीं किया हुआ है। तो गाइस, बोर्ड एकदम फ्रेश है, बोर्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मैं इसका डायरेक्ट CPU रिवॉल्व करूँगा और फिर चेक करूँगा हमारी जो टच है वो वर्क करती है या नहीं करती है। इसके अंदर उसने न्यू फोल्डर भी लगा के चेक कर लिया है, वो न्यू फोल्डर भी वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो गाइस देखते हैं फ़ोन हमारा रिपेयर होता है या नहीं। तो गाइस, अब आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट CPU पे क्यों जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, CPU पे जाने से पहले हम इसकी GR चेक कर लेते हैं, हमारे जो टच की जो GR है वो ओके है या नहीं है। तो देखते हैं बोर्ड में, पहले मैं पोको एक्स टू। तो गाइस, पोको एक्स टू हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन में कोई सोल्यूशन नहीं दिया हुआ इन्होंने, और मेरे पास पहले भी बहुत फ़ोन आए हैं तो मैंने उनका डायरेक्ट CPU रिवॉल्व किया है जिससे कि ये फ़ोन हमारा ओके हो गया है। तो गाइस, कोई हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है तो मैं इसका डायरेक्ट CPU रिवॉल्व करूँगा, और CPU रिवॉल्व करने के बाद भी अगर हमारी टच नहीं चलती है तो हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना। बाकी मुझे इतना यकीन है कि CPU रिवॉल्व करने से ये फ़ोन हमारा ओके हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसकी सील्ड वगैरह को कट कर लेता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट CPU पे काम दिखाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस, इसकी हम जो है सील्ड वो कटिंग करेंगे। जब सील्ड आप कटिंग करो तो आपको ध्यान देना है कि कोई लाइन या कोई ब्रेक ना हो जाए या कोई पैड वगैरह ना टूट जाए। साइड में हमारे जो कांच वाली आईसी लगी रहती है तो उसका तो आपको खास कर याद रखना है। अब हम करेंगे CPU की ग्लू कटिंग। ग्लू कटिंग के लिए मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ, क्विक की 2008। हीट मैंने आपको दिखाई दी है कितनी है, आपको हीट रखनी है, और CPU रिमूव करने के लिए आपको हीट रखनी है 360 और एयर 70। इसके जो हमारे जो पैड हैं जिनको हम डाउनग्रेड करेंगे, डाउनग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका CPU जो है वो बैठेगा नहीं और वो ड्राई ही रहेगा। तो मैंने टाइम बचाने के लिए क्लीनिंग की और जो उसको जो हमारे बॉल ड्राई है उनको कैसे आपको क्लीन करना है जो ड्राई बॉल है, और कैसे उनको डाउनग्रेड करना है। CPU को रिवॉल्व करेंगे और CPU रिवॉल्विंग के जो हमारा टेम्परेचर वो रहेगा, हीट रहेगी 270 और ये रहेगी 0। इससे क्या होता है कि जब आप हीट मारते हो आपकी जो बॉल है ना CPU की वो उड़ती नहीं है। कई लोगों को क्या होता है कि CPU की बॉल बैठ नहीं पाती प्रॉपरली, वो ही एयर ज़्यादा रखते हैं। तो आप जब एयर ज़्यादा रखोगे तो आपकी जो स्टेंसिल के अंदर जो बॉल है ना वो रुकेगी ही नहीं, और वो हीट लगेगी और वो बॉल निकल के चली जाएगी। तो गाइस, CPU भी रिवॉल्व हो चुका है और बोर्ड भी वगैरह डाउनग्रेड हो चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं अपना CPU बैठाऊंगा, और बैठाने के बाद इंस्टॉल करने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारे इसके अंदर प्रॉब्लम थी टच की, जो टच वर्क नहीं कर रही थी, वो टच हमारी चलती है या नहीं चलती है। तो गाइस, इतने आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। तो गाइस, हमारा CPU परफेक्टली बैठ चुका है और फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो टच है वो चलती है कि नहीं चलती है। तो गाइस, पहले इस फ़ोन की टच नहीं चल रही थी, अब आप देख सकते हैं कि CPU रिवॉल्व करने के बाद जो हमारी टच है वो ओके हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ।